बीए का रिजल्ट कब आएगा, बीए का रिजल्ट कब आएगा। मैं यह कमेंट सुन सुन के पक चुका हूँ, यानी मेरा दिमाग हल्का हो चुका है। आप लोग प्रत्येक वीडियो के नीचे यही पूछ रहे हो कि बीए का रिजल्ट कब तक आएगा। सर, आप मुझे बताइए कि बीए का रिजल्ट, बीकॉम का रिजल्ट, बीएससी का रिजल्ट, एमए का रिजल्ट कब तक आएगा। आप कोई अच्छी डेट बताइए, जिस डेट को हम लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके। आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि आपके ऊपर, यानी मेरे ऊपर, आप लोग विश्वास कर सको कि हाँ उसी दिन आएगा। तो मैं पहली ही बात में आपको फिक्स करके देता हूँ कि 31 मई तक आपका बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट 31 मई तक आ जाएगा, एकदम 31 मई तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं तो 31 मई तक लास्ट डेट होता है, तो 31 मई को आ जाता है बीए थर्ड ईयर का। अब बीए सेकेंड ईयर की बात करते हैं कि बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट लगभग 2 जून से 5 जून के बीच में आ जाता है। 2 जून से 5 जून के बीच में बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट कब आता है। बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आता है फाइनल फाइनली 31 मई को, जो हमने अभी बताया। बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आता है, बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है वो आता है 2 से, यानी 2 जून से 5 जून, 8 जून, 7 जून, 10 जून, 10 जून तक ही सभी बीए से, 31 मई से 10 जून तक बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाता है। अब आती है बीएससी की रिजल्ट। अब बीएससी का रिजल्ट इसके कुछ दिन बाद, यानी जून में बीएससी का रिजल्ट आने लगता है तुरंत तुरंत। अब आते हैं किस चीज़ का, बीकॉम का रिजल्ट। बीकॉम का रिजल्ट इस समय आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और बीकॉम का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है एमए का रिजल्ट। एमए का रिजल्ट क्या होगा, एमए का रिजल्ट आपको बीकॉम के रिजल्ट के साथ आता है, ठीक है। तो इतनी सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, आपको कितना अच्छा लगा आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी जब बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा, उसके एक दिन पहले मेरी